हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम का टाइम है तो अभी दूध निकालने का टाइम हो रखा है। बाकी काम मेरा हो चुका है। मौसम ख़राब हो रखा है तो पतिदेव जी लेके आए खूब सारे गोलगप्पे, पर उन्हें खाने की परमिशन ही नहीं दी जा रही है। ये पियेंगे चाय। इनको गोलगप्पे नहीं खाने हैं, इनको शूट नहीं करते हैं। मेरा भी मन नहीं है खाने का। 2 महीने के बाद पहली बार गोलगप्पे आए हैं, खाने का मन भी नहीं है। बहुत सारे ले आए हैं लेकिन खाने वाले बहुत कम हैं, बच्चे घर पे नहीं है। यह बंट ठंडा होने के लिए रख दिया है और वहाँ पे दोबारा से रख दिया है और यहाँ पे दूध गर्म हो गया है, इसको साइड में रख दिया। और मैं दूरी है ना पूरी टूट चुकी है। देखिए क्रेक आ गए, मम्मी की बनाई हुई है, रिपेयर करनी पड़ेगी इसको। पानी के मटके भर के अंदर की साइड रखते हैं, बाहर धूप रहती है। मैंने सब तो सो रहा है स्कूल से आने के बाद, वो सो गया, वो मरक किया और उसके बाद सो गया। तो आज उसकी पहली क्लास शुरू हुई साइंस में। उसने सब्जेक्ट चूज किया साइंस। पंखा मैंने बंद कर दिया, फैन चल रहा है और नीचे सो रहा है। बुक देखिए पास में पड़ी हुई है, पढ़ते पढ़ते इसको नींद आ गई, थक गया। 5 महीने के बाद स्कूल गया आज पहली बार। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और मैं दोबारा से नहा ली हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तभी बनाएंगे खाना। कढ़ी मैंने बना ली है और तंदूर मेरा तप रहा है। पतिदेव जी बोले चूल्हे पे रोटी बना, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और काफ़ी लेट भी हो गया है। अकेली हूँ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो पशुओं का सारा काम हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। पेड़े मैंने बना लिए, इतनी सी रोटी बनानी होती है। थोड़े से गर्मी में मरे हैं और वहाँ पे मेरी कढ़ी रखी हुई है और दूध मैंने वहाँ पे गर्म किया था जारे पे। पहले दही जमा दिया था वो तो अलग से, और ये पीने के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया। बंटा दोबारा से रख दिया है और तंदूर लगभग तप चुका है तो थोड़ी सी आँच कम हो जाती है, उसके बाद बनाते हैं खाना। तो दोस्तों पूरा काम फिनिश हो चुका है, अभी मैं पी रही हूँ दूध। मैंने इसका बैग रखा हुआ है वहाँ पर, तो दूध पी लेते हैं पहले। थोड़ा सा काम पूरे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरे पसीने पसीने हो गए, बुरी हालत हो जाती है। और ये देखिए पूरा फेस मेरा ख़राब हो रखा है गर्मी की वजह से, और आंखें तो पूरी पूरी सूजी रहती है, पूरा आंखें ख़राब है, चक्कर आने लगते हैं आँखों की वजह से। चेक करवानी पड़ेगी, दोबारा से चश्मा चेंज होगा मम्मी के बाद में। रो रो के इतना बुरा हाल हो गया कि आँखें ख़राब हो गई। सब लोग बोल रहे थे कि इतने में तो आँखें ख़राब हो जाएगी। उस टाइम पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ मम्मी की याद आ रही थी। याद आज भी बहुत आती है, लेकिन खुद को संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हर बात में मम्मी की याद आती है। सावन मास शुरू हो गया, शुरू होते मम्मी हरी चूड़ियाँ बेचती थी या जाते थे तो पहनाते थे। आज मम्मी को बहुत मिस कर रहे हैं। अब तो हर चीज़ अधूरी सी लगती है, किसी चीज़ का मन नहीं करता। अचानक से देता है मम्मी सॉरी मम्मा, आज गुरु पूर्णिमा और सावन शुरू हो रहा है, बस कुछ दिमाग में रहता ही नहीं है। तो मम्मी की याद आ गई चूड़ियों की वजह से, बस हर बात में छोटी छोटी बात में मम्मी की याद आ जाती है। तो आज के वीडियो का एंड भी कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी इमोशनल हो गई।